नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में पिछली क्लास में हमने सीखा था कि आप टैली प्राइम में नई कंपनी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस सेकेंड क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आप टैली प्राइम में लेजर्स किस तरह से क्रिएट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेजर्स टैली सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेजर पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का बैकबोन होता है। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंट्स हम दो तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, एक मैनुअल अकाउंटिंग और दूसरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। मैनुअल अकाउंटिंग में हम हाथ से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हमें अलग अलग किताबों में अकाउंट्स मेंटेन करना होता है। सबसे पहले जर्नल बनता है, उसके बाद लेजर बनाते हैं, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स, सहायक बहियां, जिसमें अलग अलग तरह के बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बुक्स को तैयार किया जाता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है और देन फिर हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये पूरा एक प्रोसेस होता है, एक ऑर्डर होता है जिसमें हम मैनुअल अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब बात आती है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। अब लेजर क्या होता है? अ लेजर इज अ बुक कंटेनिंग अकाउंट्स इन विच द क्लासिफाइड एंड समराइज्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द जर्नल्स इज पोस्टेड एज डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। इट ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड बुक ऑफ एंट्री। तो दोस्तों, लेजर एक प्रकार की नोटबुक होती है जिसमें हम अलग अलग पेजेस पर अलग अलग अकाउंट्स को ओपन करते हैं। उन्हीं अकाउंट्स को टैली में लेजर कहा जाता है। इन लेजर्स में किसी एक अकाउंट से संबंधित सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे आप टैली में जब कैश अकाउंट ओपन करेंगे तो उस अकाउंट में आपके बिजनेस के जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होंगे उन्हें हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो यहाँ पर समझने और सीखने वाली बात यह है कि मैनुअल अकाउंटिंग में हमें सबसे पहले जनरल एंट्रीज करनी होती है और उसके बाद हम लेजर्स बनाते हैं, जबकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में दोस्तों हमें सबसे पहले लेजर क्रिएट करने होते हैं और लेजर बनाने के बाद हम लोग जनरल एंट्रीज को उनमें पास करते हैं। तो आज की इस क्लास में ये सीखने वाले हैं कि आपको टैली प्राइम में लेजर्स किस तरह से क्रिएट करने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नई कंपनी क्रिएट कर लेने के बाद लेजर्स क्रिएट करने के लिए टैली प्राइम में हमें गेटवे ऑफ टैली में मास्टर सेक्शन में क्रिएट कमांड दिखाई देगा। इस क्रिएट कमांड पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अकाउंटिंग मास्टर में हमें लेजर कमांड दिखाई देगा, जिसके माध्यम से हम अपनी कंपनी के लिए लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप लेजर पर एंटर करेंगे तो आपको लेजर क्रिएशन स्क्रीन दिखाई देगी। अब हमारी कंपनी के लिए कौन से लेजर हमें बनाने हैं, ये सारा कुछ हमें जनरल एंट्रीज के माध्यम से पता चलता है। इट मींस लेजर्स हम तभी बना सकते हैं जब हमें जनरल एंट्रीज के बारे में पता हो। किस हेड को हमें डेबिट करना है, किस हेड को हमें क्रेडिट करना है, यदि ये हमें आता है तभी हम यहाँ पर लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट करते समय सबसे पहले हमें पूंजी की या कैपिटल की आवश्यकता होती है। मान लीजिए राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख, ये एक ट्रांजेक्शन है। यदि आप इसकी जनरल एंट्री को देखेंगे तो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब इस ट्रांजेक्शन में कैश और कैपिटल दो लेजर्स यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, तो हमें लेजर क्रिएट करते समय टैली में लेजर का नाम, जो लेजर डेबिट में आ रहा है उसके नाम से एक लेजर बनाना है और जो लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं उसको भी यहाँ पर क्रिएट करना है। अब यदि इस ट्रांजेक्शन की बात करें जिसमें कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल हो रहा है, तो यहाँ पर आपको लेजर का नाम कैश इस तरह से टाइप करना है, देन एंटर करना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर कैश लेजर ओपन करने का प्रयास किया तो टैली ने मुझे एक एरर मैसेज डिस्प्ले कर दिया है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। दोस्तों, लेजर क्रिएट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि टैली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो अकाउंट पहले से बने होते हैं, हमें इन्हें फिर से क्रिएट नहीं करना है। दूसरा, एक अकाउंट जब एक बार बन जाता है तो दोबारा उसी अकाउंट को उसी नाम से हमें फिर से क्रिएट नहीं करना होता। इस एंट्री के अनुसार कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल, तो कैश यहाँ पर पहले से बना हुआ है, तो इस एंट्री के लिए हमें दूसरा अकाउंट कैपिटल यहाँ पर क्रिएट करना होगा। अब कैपिटल को क्रिएट करने के लिए जस्ट आपको टाइप करना है कैपिटल, देन दो बार आप एंटर प्रेस कीजिएगा, एंटर और एंटर। जैसे आप डबल बार एंटर प्रेस करेंगे आपको साइड में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर दिखाई देंगी। दोस्तों, टैली सॉफ्टवेयर में पहले से प्री डिफाइंड ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। इन ग्रुप्स के माध्यम से ही हम लेजर्स क्रिएट कर पाएंगे। आपको टैली को ये बताना होगा कि आप जो लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, जो अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, उसका अप्रोप्रिएट उपयुक्त ग्रुप कौन सा होगा।
जैसे सबसे पहले हम कैपिटल बना रहे हैं तो ऑलरेडी पहले से कैपिटल ग्रुप यहां पर सेलेक्टेड है, क्योंकि टेली को पता है कि आप एक नई कंपनी क्रिएट कर रहे हैं और कंपनी क्रिएट करते समय सबसे पहले कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यहां पर पहले से कैपिटल अकाउंट जो कि एक ग्रुप है वो पहले से सेलेक्टेड है। अब यहां पर लेजर को क्रिएट करने के लिए आपको एंटर एंटर प्रेस करना है तब तक जब तक कि ये सेव ना हो जाए। जब आप एंटर प्रेस करते हुए लेजर क्रिएशन स्क्रीन के बॉटम में आएंगे तो आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा। अभी हमारी ये बेसिक क्लासेस हैं इसलिए अभी आपको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर इनपुट नहीं करना है, ना यहाँ पर कोई DRCR करना है, केवल आपको यहाँ पर लेजर क्रिएट करना अभी सीखना है। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे सेव करने के लिए आपको एक्सेप्ट यस का यूज़ करना है, अदरवाइज आप कंट्रोल ए के माध्यम से भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट लेजर कैपिटल क्रिएट हो गया है। मान लीजिए अब सेकंड ट्रांजेक्शन हमारे सामने आता है परचेज गुड्स, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू कैश। अब यहाँ पर भी इस एंट्री में दो लेजर हैं, परचेज और कैश। तो कैश पहले से बना होता है इसलिए वो ओपन नहीं करना है हमें। सेकंड हमारा लेजर है परचेज, तो परचेज लेजर हम जब क्रिएट करेंगे तो फिर से हमें लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई देंगे। इनमें से परचेज लेजर का ग्रुप होता है परचेज, उसके लिए आप जैसे ही कीबोर्ड से P प्रेस करेंगे P वाले सभी ग्रुप्स हाईलाइट हो जाएंगे और उनमें से आप परचेज अकाउंट को सेलेक्ट करते हुए इस लेजर को भी सेव कर सकते हैं। इस तरह से मान लीजिए अगला हमारा ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू सुरेश। अब परचेज लेजर हम एक बार क्रिएट कर चुके हैं, हमें फिर से वो क्रिएट नहीं करना है। यदि आप फिर से परचेज लेजर क्रिएट करने का प्रयास करेंगे तो आपको स्क्रीन पर एरर दिखाई देगा, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट एंटर अ डिफरेंट नेम। तो दोस्तों एक लेजर एक बार ही ओपन होता है, दोबारा उस लेजर को आपको ओपन नहीं करना है। इस ट्रांजेक्शन में दूसरा हमारा लेजर है सुरेश, सुरेश से हमने गुड्स परचेस किया है और वो भी उधार क्रेडिट में परचेस किया है। इट मीन्स सुरेश का लेजर बनेगा और सुरेश का जो ग्रुप होगा वो होगा सेंड्री क्रेडिटर। स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर आपको प्रेस करना है, सेंड्री क्रेडिटर ग्रुप को सेलेक्ट करना है। आप देख रहे होंगे कि मैं आसानी से यहाँ पर लेजर ओपन कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता है कि किस लेजर का कौन सा ग्रुप होगा। जैसे मान लीजिए बैंक से लोन लिया तो कैश अकाउंट DR टू बैंक लोन। अब कैश पहले से बना हुआ है तो मुझे यहाँ पर ओपन करना होगा सेकंड लेजर बैंक लोन। बैंक लोन का जो ग्रुप होगा वो होगा बैंक OD। आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि किस लेजर को किस ग्रुप में डालना है? तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी ग्रुप्स टैली में प्री डिफाइन दिए गए हैं उनका क्या मीनिंग है और किस ग्रुप में हमें कौन कौन से लेजर्स ओपन करने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा लेजर्स हम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब हमें जनरल एंट्रीज के बारे में पूरी जानकारी हो। तो सबसे पहले नेक्स्ट क्लास में हम जनरल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे, जनरल एंट्रीज किस तरह से की जाती हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट है, देन फिर हम लिस्ट ऑफ ग्रुप्स की बात करेंगे। जब यहाँ पर हम लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं और मान लीजिए गलती से आपने कोई लेजर गलत ग्रुप में डाल दिया है या गलती से कोई लेजर एक्स्ट्रा आपसे क्रिएट हो गया है, उसे आप डिलीट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, ऑल्टर करना चाहते हैं, तो गेटवे ऑफ टेली में ही क्रिएट के नीचे आपको कमांड दिखाई देगा ऑल्टर। ऑल्टर से हम लेजर्स को डिलीट भी कर सकते हैं या पहले से बने हुए लेजर्स में कोई करेक्शन करना हो तो करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी बैंक लोन लेजर क्रिएट किया है और अब मुझे इसे डिलीट करना है, तो आप बैंक लोन लेजर को ओपन कीजिएगा, लेजर अल्टरेशन स्क्रीन आपके सामने है और ऑल्टर के साथ डी प्रेस करने से आप इस लेजर को परमानेंटली डिलीट कर पाएंगे। इसी तरह से आप किसी लेजर के ग्रुप को चेंज करना चाहें तो उस लेजर को सेलेक्ट कर लीजिएगा और देन फिर दूसरे किसी ग्रुप का सिलेक्शन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा किस तरह से हमें टैली में लेजर्स को क्रिएट करना है। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली GST कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली GST कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं।